हैं, एसएसएलवी प्रमोचन यान की विश्वसनीयता एक बार और सिद्ध की जाएगी इस प्रमोचन द्वारा। माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ संगत निर्भर उपकरणों का विकास तथा उनका तकनीकी प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। -25 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV G3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलता पूर्वक उत्थापन एसएसएलवी D3 लॉन्च व्हीकल का, और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। क्लियर 15 seconds. फ्लेक्स नोजल फॉर पिच एंड योर स्टीयरिंग, फिन टिप एक्चुएशन फॉर द पैसिव रोल कंट्रोल। यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य, द्वितीय चरण भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 7.7 टन का ठोस नोदक है और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle. SS2 currently operational. +3 minutes. यहाँ भूष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान जहाँ रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अभी इसकी पुष्टि की, द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है और तृतीय चरण का सफलतापूर्व प्रज्वलन शुरू हो चुका है। As you have already seen, the third development flight of SSLV D3 with the EOS-08 satellite has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. The EOS-08 satellite as well as SR-0 satellite also has been injected after the maneuvers.